भाई आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप अपना पुराना फोटो को कैसे रिकवर कर सकते हैं, यानी कि कितना अभी साल का पुराना फोटो अगर डिलीट हुआ रहेगा अगर इस फोन से तो कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, यानी कि कैसे वापस ला सकते हैं, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक्स रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं डिलीट हुआ फोटो आप कैसे वापस ला सकते हैं। तो करना क्या है गाइस, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा सिंपली उसी प्रोसेस को जो है फॉलो करना है। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही सर्च करना है, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको लिखना है डिस्क डिगर, ठीक है। जैसे डिस्क डिगर लिख कर सर्च करेंगे तो यह एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को क्या करना है आपको, इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको, इसको ओपन कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते होंगे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल होने के बाद देख सकते होंगे इस एप्लीकेशन को जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे देख सकते होंगे गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक स्कैन नो रूट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर लॉस्ट फोटो, यानी कि सर्च आप फोटो यहाँ पे यानी कि सर्च कर सकते हैं कौन सा डिलीट हुआ है, और यहाँ पे सर्च फॉर लॉस्ट वीडियो, अगर वीडियो रिकवर करना चाहते हैं तो वीडियो पे क्लिक करके और वीडियो जो ला सकते हैं, ठीक है। जो आप डिलीट किए हैं वो वीडियो ला सकते हैं, और जो डिलीट किए हैं वो फोटो भी ला सकते हैं। तो करना क्या है आपको, जो फोटो अगर फोटो रिकवर करना चाहते हैं तो फोटो पर क्लिक कीजिएगा। जैसे फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में यानी कि जितना भी फोटो डिलीट हुआ रहेगा इस फोन में सारा का सारा फोटो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर सर्चिंग लिख रहा है, बस इतना ही फोटो नहीं है, अभी अनलिमिटेड फोटो आ जाएगा, यानी कि बहुत सारा फोटो आ जाएगा जो डिलीट हुआ हुआ। अगर कोई व्हाट्सएप पे इमेज भेजा रहेगा वो भी इमेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, और फोटो आप डिलीट किए रहेंगे वो भी फोटो आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नंबर पे आपका डिलीट फोटो आ जाए। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो गाइस अभी स्कैनिंग हो रहा है यानी सर्चिंग हो रहा है, और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसी में आपका फोटो मिल जाएगा जो आप फोटो डिलीट किए हैं। और रिकवर करने के लिए करना क्या है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पूरा फोटो यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है, ठीक है, यानी कि इतना फोटो आज आ रहा है, यहाँ पूरा देख सकते हो गाइस इतना फोटो यहाँ पे सर्च हो रहा है, यानी कि इतना फोटो डिलीट हुआ है, ठीक है। और भी फोटो जो है सर्चिंग हो रहा है और फोटो आ रहा है, जितना बहुत सारा फोटो डिलीट हुआ है इस फोन से, तो यहाँ पे जितना फोटो डिलीट हुआ है सारा सारा फोटो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे पाउस वाले पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक किया तो देख सकते हो गाइस फोटो जो है यहाँ पे क्लियर दिखाने लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ ऊपर से यहाँ पे फोटो को देखते आ रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा फोटो मेरा डिलीट हुआ है, और रिकवर कैसे कर सकते हैं अपने यानी कि गैलरी में कैसे ला सकते हैं वही वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते होंगे जितना भी फोटो डिलीट हुआ है सारा सारा यहाँ पे फोटो आ रहा है। अगर आप इसको रिकवर करना चाहते हैं तो मान लीजिए कितने फोटो को रिकवर करना चाहते हैं, इसको रिकवर करना चाहते हैं, इसको रिकवर करना चाहते हैं, और इसको रिकवर करना चाहते हैं, जिस पर जिसको फोटो को रिकवर करना चाहते हैं उस पर क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिकवर, सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिकवर, रिकवर पे क्लिक कर लेंगे। जैसे रिकवर पे क्लिक कर लेंगे तो वैसे में फाइल पे क्लिक करेंगे। तो गाइस आप फोटो को किस में रखना चाहते हैं, अगर आप न्यू फोल्डर बनाकर रखना चाहते हैं तो न्यू फोल्डर बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर एक बना लेता हूँ, यहाँ पे रिकवर फोटो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। रिकवर फोटो मैं क्या किया यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक किया तो इसमें क्या करता हूँ, यूज दिस फोल्डर, यूज दिस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और अलाउ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पे इस तरह कर देंगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैंने जितना फोटो रिकवर किया है सारा सारा फोटो जो है यहाँ पे फाइल मैनेजर में आ चुका है, यानी फोल्डर बनाकर रिकवर फोटो पे मैंने क्या किया हुआ सेव कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार गाइस क्या कर सकते हैं, अपने फोटो को वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वीडियो रिकवर करना यानी कि वीडियो डिलीट हुआ है तो आप वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च बार वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी वीडियो डिलीट हुआ रहेगा सारा सारा वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देख सकते होंगे यहाँ पे कितना वीडियो है सारा सारा वीडियो यहाँ पे आ रहा है, जितना भी वीडियो मैंने डिलीट किया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार गाइस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं वीडियो को भी रिकवर कर सकते हैं और फोटो को भी रिकवर कर सकते हैं। वीडियो को रिकवर करना है तो सभी पे क्लिक, जिस वीडियो को रिकवर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिकवर पे क्लिक करेंगे। जैसे रिकवर पे क्लिक कर लेंगे तो आप अपने फाइल में रखना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पे यूज दिस फोल्डर यहाँ पे क्या करेंगे रिकवर फोटो पे क्लिक करेंगे और यूज दिस फोल्डर इसी पे क्या करेंगे अलाउ कर लेंगे। तो इसका भी ये भी क्या हो रहा है सेविंग फाइल्स, यानी कि फाइल में सेविंग हो रहा है। तो वैसे इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अपने फोन का डिलीट हुआ फोटो या वीडियो वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो हमारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।